स्टार्ट। साथियों आइए आज हम जिला धूमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और कुछ लीडरान से एक चौपाल लगाते हैं और जानते हैं जिला धूमपुर के विकास के बारे में कि आज के टाइम में यहाँ पे विकास और रोजगार की गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं। आइए जानते हैं। जिला धूमपुर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंटेस्टेड कैंडिडेट अभी DDC इलेक्शन में रहे हैं, किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा जिला धूमपुर में? देखिए सर, मैं रमेश कुमार उधमपुर से DDC इलेक्शन में मैंने लड़िया और इनमें मुद्दे ये थे कि हमारे नौजवान भाई बेरोजगारी, मैं कहता हूँ कि इतनी बढ़ चुकी है कि कहने की बात नहीं। आज जो वक्त आ चुका है कि जब कोरोना के टाइम से जब से ये चला हुआ सिस्टम हमारा, नौजवान जो मेरे हमारे दिहाड़ीदार रेडी फड़ी वाले, उनका इतना जीना मुश्किल हो गया। गाड़ियों वाले हैं, जैसे कैसे नौजवान ऐसे बैले फिर रहे हैं, कोई किसी के पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहा। हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कहने की बात नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि DDC इलेक्शन लड़के जो मैं जब जीतूँगा तो और मैं इन लोगों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। ये जो DDC के चुनाव हुए हैं राजकुमार जी, क्या आपको लगता है इस चुनाव से जनता को कोई लाभ होने वाला है? हाँ, मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर पावरें जो सेंटर हमारी गवर्नमेंट है अगर वो देंगी तो शायद इसमें फ़ायदा होगा। सर मैं आपसे सवाल करता हूँ, सरकार ने कहा है, बहुत बार सरकार का ऐसे स्टेटमेंट आते हैं लीडर्स के कि पिछले 70 सालों में देश का कोई विकास नहीं हुआ है। क्या 2014 के बाद देश का ज़्यादा विकास हुआ है? सर देखिए, 2014 की जो बात कर रहे हैं, 2014 से पहले अभी ये देखिए कि हम ये बात करेंगे, ये विकास की बात करेंगे। अभी देखिए जो हमारा जो कॉलेज खोले हुए हैं बच्चों के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, PTC, टाउन हॉल, हॉस्पिटल, स्टेडियम, जो भी रोडें बनी हैं, ये कांग्रेस और NCP की देन है। इसमें हमारे जो BJP के लीडर है इनका कोई बीच में हाथ नहीं। ये 2014 के बाद आई है, इसके पहले बहुत विकास हुए हैं। आज लोग भूल चुके हैं कि बहुत विकास हो चुके हैं। आगे बोलिए। नहीं, विकास 2014 के बाद विकास, कौन सा विकास आपके घूमपुर में होता है आप बता सकते हैं? बता सकते हैं कुछ आप? भाई मैं ये बात BJP वालों को पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर 2014 के बाद इन्होंने कोई काम किया है तो हमें बताएं। वो सब दुनिया को बताए कि हमें ये काम किया है। रेलवे की बात रही तो रेलवे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदेसानी डॉक्टर फारूक साहब और कांग्रेस की देन है जो इधर ट्रेन पहुंची है, ये सब उनकी देन है। लोकरा साहब, मेरा कहना है, मेरा सवाल आपसे है कि लोगों को हमारे उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। वो बिजली हो, पानी हो, वो राशन का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, इन मुद्दों पे आप क्लियर कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले अपनी शासन में क्या कार्य किए थे और 2014 के बाद उनमें क्या कमियां रही। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। 2014 से पहले कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब और शेख अब्दुल्ला साहब, पांचवी जो पढ़े थे, आठवीं पढ़े थे, दसवीं पढ़े थे, बारहवीं पढ़े थे, उनको एजुकेशन मिली थी और सर उनको सबको नौकरी मिली थी। आज जो लोग बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं जो पढ़े हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, दहाड़ी लगा रहे हैं, आखिर क्या हुआ ये? क्या इन्होंने क्या लाया? BJP साहब जो हमारी पार्टी है और ये BJP से मैं बालक में पूछना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार दिया आपने, क्या डेवलपमेंट की, 370 तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये हमारे राजा महाराजा ने ये खुल अपने पैसों से खरीद की थी। हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इनको, ये ऐसा क्या मसला हो गया 370 पे तो तोड़ने में आप आगे 35 तोड़ने में आगे? तक मैं राशन डिपो की बात करूँ, 2014 से पहले बोलना, लोगों को क्या सुविधाएं मिलती थी राशन डिपो, चाहे वो चीनी की हूँ, चावल की हूँ, आटे की हूँ, दालें हूँ, कुछ भी हूँ, और 2014 के बाद क्या मिल रही है? देखिए, हमारी जब हुकूमत थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस विद कांग्रेस, एक टाइम पर टाइम हमें सब कुछ सब राशन मिलता था और चीनी भी मिलती थी। आज क्या हो गया? BJP के पास आज ये शुगर नहीं रही,
खंड नहीं रही या खत्म हो गई है। बाहर भी बाहर ये दुकानों में बड़े बड़े डीलरों के बाद क्या ये जो खंड का मसला है ये खत्म हो गया। आज कोई भी खंड डिपो में नहीं मिल रही है, नहीं तेल मिल रहा है। तेल लेते थे हम मिट्टी का तेल, ये चूल्हे जलाने के लिए लेते थे, स्टोव जलाने के लिए लेते थे। आज इसमें कोई ऐसा मसला नहीं रहा। साथियों मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर मैं कोई झूठ मार रहा हूँ आप मुझे पूछ सकते हो। और आज के मसले में देखिए खंड किसी को नहीं मिल रही है। खंड हर जगह पर डिपो है, हर जगह पर सब कुछ है, लेकिन हमें खंड नहीं मिल सकती है। और मैं बोलता हूँ 3 किलो आटा 2 किलो जो चावल जो मिलते हैं, मैं एक भी बंदे को कहना चाहता हूँ अगर 1 महीने में आप 2 किलो आटा खा सकते हो 3 किलो चावल खा सकते हो मैं मान जाऊँगा। 1 महीने का जो राशन दे रहा है ये हमारे पास अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। जहाँ तक हम बात करें पानी की, नालियों की, तो आजकल घरों में कैसा पानी आ रहा है और हमारे शहर की साफ सफाई पे आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं मीडियम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जो पानी पीने के लिए हमें जो दे रहे हैं कोई फिल्टर नहीं हो रहा है, इसमें कोई फटकरी डालते हैं, कुछ मसाले डालते हैं जिसके साथ पानी पूरा फिल्टर होकर आता है। आज ऐसी हालत हो गई है, वो जो पानी नहर से जो जा रहा है गंदगी की तरह मिट्टी जा रही है, जो भी बीच में पड़ा होता है वो सीधी सप्लाई हर घर घर में जा रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मीडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, आप एक एक घर में जाइए पूछिए आपकी जो टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है हमें टंकी दिखाइए, इसमें मिट्टी कैसी है कैसी नहीं, कोई साफ सुथरा पानी नहीं है। इतनी गंदगी का पानी पी रहे हैं, ओह कहने की बात नहीं। ये पशु भी पानी नहीं पीते हैं, अगर हम कपड़े धोते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। आखिर क्यों बेइंसाफ हो रहा है हमारे जेएनके के साथ? मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर ये कोई ऐसी कोई आप बातें कर रहे हो, इतने बड़े वादे कर रहे हो आप, पानी तो साफ पिलाइए हमें, जहाँ बिसलरी पिलानी है। बिसलरी पियेंगे वो पैसे वाले लोग पियेंगे, हमारे गाँव के लोग, हमारे शहर के लोग, जो मेरे गरीब दबे कुचले हुए लोग वो यही पानी पियेंगे। कपड़े भी साफ नहीं हो रहे हैं। आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, नालियों की देखिए गंदगी, खेतों की बारियों में देखिए, हर शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पशु इतने आवारे घूम रहे हैं, कोई कहने की बात, म्युनिसिपलिटी भी हमारा कुछ काम नहीं कर रही है। उधमपुर शहर में जो हमारे जो इधर कौंसिल जीते हैं उन्होंने कानों में तेल डाला हुआ है, सोए हुए। आपका नाम? सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव चक्कर से। आप एक युवा हैं? जी हाँ, मैं युवा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी हैं। जी जी, आज के समय में युवा किस तरह का बदलाव जिला उधमपुर में देखने को चाहता है? सर देखिए, जो ये सरकारें हैं, जो हमारी सेंट्रल सरकार है, उन्होंने एक हमें मजाक बना के रख दिया है। हमारा युवा आज खज्जल हो रहा है, बेरोजगार है। हम चाहते हैं कि इस सरकार से हमें बदलाव की उम्मीद है कि बदलाव हो, और हम चाहते हैं कि NCC की पार्टी जब भी अगर हमारी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट आएगी तो युवा को ज़रूर देखेगी। हम यही चाहते हैं कि युवा, आज का युवा जो बिल्कुल बेरोजगार है वो कामयाब हो, और ये जो झूठे वादे करने वाली सरकार है हम उसे बदलाव चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर रामलाल जी। आप एक मध्यम वर्ग से आप भी हैं? हाँ जी। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग जो है आज के सरकार में कैसे जी रहा है? क्या उसको अपने प्रति कोई विकास के काम लगते हैं या नहीं लगते हैं? देखो, जो हमारा मध्यम वर्ग है ये चल रहा है, इसमें सब ख़त्म कर दिया है इन्होंने। जो आज की गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने जो हमारे हक, जो हमारे डेवलपमेंट के सारे वो थे, वो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है हमारा। हमारी इधर रोजगारी बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे नौजवान साथी वो आज खज्जल हो रहे हैं, कोई काम नहीं, पढ़ लिख कर वो घूम रहे हैं आगे पीछे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो भी था वो सब हमारा ख़त्म कर दिया, पढ़ाई का काम, जो भी काम विकास वगैरह करते थे, जैसे गाड़ियों का हो गया, ट्रांसपोर्टर जो थे वो बड़े बड़े, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे आप एक अच्छा वो विकास बनाओ, जिससे 2014 से पहले जो विकास था जैसे चल रहा था वैसा होना चाहिए। आज 2014 के बाद 6 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी हमारे हक थे सीन था वो सब हमसे छीन लिया है, और ये जो हमें दिया है तो वो भी हमसे छीन रहे हैं। जो मेरा यही गुजारिश होगी आने वाले टाइम के, हमारे नौजवान साथी, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको काम मिले,
अच्छी तरह कोई इनकी डेवलपमेंट हो, हर चीज़ की गांव की। इधर देखो उधमपुर में ज़्यादा हमने घूम के देखा, कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे गलियों गलियों में देखा, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। गांव में हम गए, गांव में वायरें जो लाइट की वायरें होती है वो उन्होंने पोल के साथ नहीं लगाई हुई है, पेड़ों के साथ लगाई हुई है। हमने हर गांव में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम गए वोट मांगने के लिए, उनके घर में हर डोर टू डोर हम चले, घर में हर घर वालों ने हमें हर प्रॉब्लम बताई, हर चीज़ की प्रॉब्लम। पानी उनको पीने के लिए नहीं है, वो तो कहाँ पियेंगे, जो हमारे पशु मवेशी हैं इनके लिए पानी नहीं है सर, वो रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम किसी सरकार को वोट नहीं डालेंगे, हमारा कोई रोज़गार नहीं हुआ इन्होंने किया। इससे मैं गुजारिश करता हूँ आने वाले टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि एक बार हमारे हाथ मजबूत करो। इतना वादा करते हैं कि नौजवानों साथियों को, बेरोजगारों को जरूर हम उनका कुछ ना कुछ करेंगे, उनके लिए हम बोलेंगे। डॉक्टर फारूक साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें भी देखें, उधमपुर को भी देखें। उधमपुर में एक बहुत बेवो इंसाफ हो रहा है, एक बार वो आएँ उधमपुर में देखें, जैसे अपने श्रीनगर जहाँ जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है उधर उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की, तो एक बार हम भी उनके आगे गुजारिश करते हैं कि वो उधमपुर को भी देखें। धन्यवाद सर। तो ये थे ज़िला उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ, जिनके साथ आज मैंने चौपाल लगाई और ज़िला उधमपुर के विकास के बारे में जानकारी ली, यहाँ के शहर की साफ़ सफाई, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए उनके बारे में ली। और कहीं ऐसा लगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ आज के समय में नहीं मिल रही हैं। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र नासकार की ग्लोबल मीडिया उधमपुर।